हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और सिंपली यू कैन कॉल इट एज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सो फर्स्ट लॉ क्या बताता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो है बेसिक डेफिनेशन इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आप डेफिनेशन करते हो बेसिक वही है दिस लॉ स्टेट्स दैट वेन एवर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द कॉयल और द सर्किट देन एंड ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट और वैसे ही हम वो कहे जा रहे हैं और उसके बाद क्या कहते हैं ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा तो ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा उसके बाद आपका करंट भी इंड्यूस हो जाएगा तो यानी कि क्या बोला जा रहा है सपोज अगर आपने यहाँ पे एक कॉयल रखी है और उसके सामने आपने एक बार मैगनेट रखा है और उस बार मैगनेट को आप किस तरह से मूव करते हो सपोज उस मैगनेट को इस तरह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते चले जा रहे हो तो मूव करने से की वजह से क्या हो जाएगा आपको पता है यहाँ पर जो आपका बार मैग्नेट है उसके जो नियर में होता है नियर बाय एरिया में आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज वो दूर, दूर दूर चले जाती है तो यानी कि जिस टाइम पर ये जो कॉयल है उसका उसका सामना यहाँ से हो रहा है यानी कि इन फील्ड फील्ड लाइन से हो रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी है यानी कि ज़्यादा फ्लक्स है ओके और जैसे ही ये दूर जा रही है तो आपकी जो फील्ड लाइन्स है वो ये वाली आती है यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मैं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रही है वो आपका चेंज होता जा रहा है तो यानी कि जब हम इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वैसे ही आपका मैग्नेटिक फ़्लक्स चेंज हो रहा है और इसकी वजह से ये लॉ क्या बताता है इस चेंज हुए हुए मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका जो ई एम एफ है आपके कोयल में वो भी इंड्यूस हो जाता है हैंस आपका करंट भी इंड्यूस हो जाता है तो ये सिर्फ इंडक्शन की बातें कर रहा है कि इंड्यूस होता है अब कितना इंड्यूस होता है कैसे इंड्यूस होता है कितना अमाउंट इंड्यूस होता है वो बताता है सेकेंड लॉ इसमें सिर्फ बेसिक बताता है कि जस्ट आपके जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से आपका ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है हैंस आपका करंट इंड्यूस हो रहा है द इंड्यूस्ड ई एम एफ़ विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज देयर यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जस्ट का मैग्नेटिक फ्लक्स है यहां पे और तब भी ई होगा नहीं जब तक वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है दिस चेंज चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब तक वो आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में तब तक इंड्यूस्ड ई एम दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा तो ये फर्स्ट लॉ आपका बताता है जो कि आपकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी है ना सेकेंड लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है वही हमने कॉयल के पास आपने बार मैग्नेट लिया है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करते जाओगे और ये तो हमें फर्स्ट से ही पता चल चुका है कि चेंज इन फ्लक्स होने की वजह से यहां पर आपका एएमएफ एम एफ प्रोड्यूस हो जाएगी इंड्यूस हो जाएगी बट यहां पर सेकेंड लॉ क्या बताता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट यानी कि सिम्पलेस्ट uh, फॉर्म में अगर मैं आपको कहूँ कि ये लॉ ये बताता है कि जो इस पर ई एम एफ इंड्यूस तो हो रहा है उस ई एम एफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी वो किस पर डिपेंड कर रहा है वो बताया जा रहा है कि आपका यानी कि जो ये मूवमेंट हो रही है जो ये मूवमेंट हो रही है आप फॉरवर्ड ला रहे हो आप बैकवर्ड ला रहे हो तो उसमें भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स ई एम एफ की वैल्यू ई एम एफ की वैल्यू अगर आप इस बार मैग्नेट को बहुत तेजी से आगे पीछे आगे पीछे ऐसे, ऐसे ऐसे ला रहे हो तो जो आपका यहाँ पे ई एम एफ इंड्यूस होगा वो ज्यादा वैल्यू का होगा उसकी वैल्यू uh, आपकी ज्यादा होगी और ऑन द अदर हैंड अगर इसको हम जो वेरी करवा रहे हैं और मूव करवा रहे हैं अगर हम वो बिल्कुल आराम आराम से मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ई एम एफ तो आएगा इसमें ओके okay, बट वो जो आपका ई एम एफ आएगा वो क्या आएगा बिल्कुल ही आपका स्मॉल आएगा दैट मीन्स जो आपका ई एम एफ है वो डिपेंड करता है किस पे इसकी मोमेंट पर यानी कि इसके रेट पर ठीक है इसके रेट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि टाइम के साथ साथ टाइम कितना लगा उसको जल्दी जल्दी कर रहा है या फिर बहुत लेट लेट कर रहा है तो वो डिपेंड करता है यानी कि फ़्लक्स के रेट के ऊपर डिपेंड करता है और यानी कि जहाँ रेट आता है रेट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द टाइम वहाँ पर हमेशा टाइम आता है जहाँ पर भी रेट आता है तो दैट मीन्स अगर हम इसका लिखना चाहें जो हमने सेकेंड लॉ लिखा है वो हमें क्या बताता है कि आपका जो ई एम एफ़ है जो ई एम एफ इंड्यूस हुई है सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम ऑब्वियसली रेट क्या होता है चेंज विद टाइम यानी कि डी यानी कि फ्लक्स का चेंज विद टाइम और अगर आप यहाँ पर देखिए तो इसके साथ एक और साइन आता है ई एम एफ इज़ इक्वल टू जब हम कॉन्स्टेंट ऑफ़ प्रोपोर्शनालिटी हटा देंगे वो इक्वल टू वन आएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा डी फाइ अपॉन डी टी आ जाएगा और इसी के साथ साथ ये पूरा जो लॉ है वो विथ नेगेटिव इसका पूरा हो गया ओके नेगेटिव आपका लगाना ज़रूरी है और ये नेगेटिव क्यों लगता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना अभी आप याद रखोगे दिस इज़ योर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाउ ई इज़ इक्वल टू माइनस चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि फ्लक्स चेंज होना ठीक है सफिशेंट है पर वो कितना ज़्यादा होगा कम होगा वो उसके रेट पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे जल्दी से मूवमेंट कर रहे हो या स्लो से मूवमेंट कर रहे हो ये बहुत ज्यादा ज़रूरी है अगर एक और चीज़ करते हैं अगर आपके पास यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्नस है सपोज लेटर सपोज यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्नस है तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा हम लिखते हैं फॉर फॉर कॉल कोयल है for, for coil, coil having, having, एन नंबर ऑफ टर्न्स एन नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके पास एन नंबर ऑफ़ टर्न्स है किसी कॉल की तो उसके केस में जो इंड्यूस्ड हुआ हुआ आपके पास ये होगा ई एम एफ होगी वो किसके इक्वल होगी दैट विल बी इक्वल टू e इज़ इक्वल टू माइनस तो रहेगा एंड नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्लूड हो जाएगी बाकी आपका डी फाई रेट ऑफ चेंज तो आई गई डी फाई अपऑन डी टी आ जाएगा तो ये नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए एंड नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपका नया फॉर्मूला है राइट right, इसके बाद हम देखते हैं हमने इंड्यूस्ड ई एम एफ तो देख ली दिस इज योर इंड्यूस्ड ई एम एफ अगर यहाँ पर लिखना है दिस इज योर इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ई एम एफ़ यानि कि इंड्यूस्ड ई एम एफ़ आपके सर्किट में कितनी आई और इंड्यूस्ड ई एम एफ़ के होने के साथ साथ आपको ये भी पता है कि सर्किट में आपका इंड्यूस्ड करंट भी आएगा तो वो भी निकाल देते हैं हम साथ ही साथ इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट आपका कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट दैट मीन्स जो करंट आई कॉल में आपका इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ना आपको ई एम एफ पता है अब आपको आई निकालना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन पता है इसका आई इज इक्वल टू कितना हो गया आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है वहाँ पोटेंशियल होता है यहाँ पर हम ई एम एफ भी उसको लिख सकते हैं ई अपॉन आर हो गया राइट तो आपको ई एम एफ जो ऊपर निकाला है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हो डाल सकते हो वैल्यू को पुट कर सकते हो हम ये वाली डालेंगे विथ एन नंबर ऑफ़ टर्न्स वाली ना इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई माइनस एन डी फाइव डी फाइव अपॉन डी टी और साथ ही साथ यहाँ पे आर भी आ गया रेसिस्टेंस भी आ गई तो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जो इंड्यूस्ड ई एम एफ आपके सर्किट में आएगा इंड्यूस्ड करंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी और यहाँ पर कितना आ जाएगा रेसिस्टेंस आ जाएगा दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट या फिर इन द इन द कॉइल अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक बात नोट करने के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका इंड्यूस्ड जो करंट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्वियसली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रेट ऑफ चेंज के एंड नंबर ऑफ कॉइल्स के अगर कॉयल ज़्यादा होगी इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर आप उसको कैसे चेंज कर रहे हो उसको बहुत स्पीड से चेंज कर रहे हो फ्लक्स को तो भी आपका करंट ज़्यादा होगा एक और चीज है आर पे डिपेंड करता है इंड्यूस्ड करंट आपका सो आप लिखोगे यहां पे जो इंड्यूस्ड करंट है आपका इंड्यूस्ड जो आपका करंट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि आई वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके किसके रेसिस्टेंस के रेसिस्टेंस के यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है यानी कि आपको ये देखना है कि अगर किसी भी सपोज़ आपने दो वायर्स ले लिए एक की रेसिस्टेंस ज़्यादा है एक की रेसिस्टेंस कम है तो यानी कि आपको देखना है कि रेसिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी उसमें इंड्यूस्ड करंट कम आएगा यानी कि जिसकी रेसिस्टेंस कम होगी उसमें इंड्यूस्ड करंट आपका ज़्यादा आएगा सो दैट मीन्स जो करंट है इंड्यूस्ड करंट वो डिपेंड करता है आपका किस पे आपका रेसिस्टेंस ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है और यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं अगर हम देखें, तो induced के साथ साथ एक और चीज आती है। यानी कि चार्ज और करंट का आपको रिलेशन पता होना चाहिए We know that I क्या आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है जितना चार्ज उसमें चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसकी वैल्यू अगर इतनी है तो आपको पता है ऑल्सो यू नो दैट जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वैल्यू कितनी है ये इस इक्वेशन को यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पर डी क्यू एक साइड कर दिया हमने डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइ अब ये क्यों नहीं है दिस इज़ फाइ अपॉन आर और डी टी हमने क्या करा हमने यहाँ पर आई की जो ये वैल्यू थी यहाँ पर पुट कर दी और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया डी टी डी टी आपका कैंसिल आउट हो गया और उसके बाद आपका डी क्यू जो है डी क्यू को हम कैसे लिखेंगे Q, एक साइड में जो चार्ज है equal to minus N upon R रहा आपका और साथ आपका और साथ साथ ही कितना है आपके पास आ गया तो आपके पास इतना है तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिपेंड करिए ज्यादा हो जाएगी बट आर के रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप क्या लिखोगे इसमें इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड जो चार्ज है इंड्यूस्ड जो चार्ज है यानी कि जो डी क्यू है स्मॉल चार्ज वो आपका क्या है इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस अगर किसी कॉयल में अगर किसी कॉयल का मटेरियल ऐसा है कि उसकी रेसिस्टेंस कम है तो उस कॉयल में आपका जो इंड्यूस चार्ज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा तो यानी कि मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है यानी कि, कि आपका इंड्यूस चार्ज कितना होगा एंड इंड्यूस्ड करंट कितना होगा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है अगर आप इसका फॉर्मूला देखिए इंड्यूस्ड ई का फॉर्मूला ये था तो इंड्यूस्ड ई के फार्मूला में चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है नंबर ऑफ टर्न्स है आर नहीं है दैट मीन्स चाहे आप कितनी भी रेसिस्टेंस का एनी रेसिस्टेंस का अगर आप कॉल लीजिए तो उसमें जितनी ईएमएफ बनेगी वो सेम बनेगी गिवन दैट अगर बाकी कंडीशंस आपकी सेम है सेम रेट से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है सेम नंबर ऑफ टर्न्स है तो उस केस में आपका क्या है जो ई है जो इंड्यूस्ड ई है वो सेम रहेगी ये क्या हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस ये रेसिस्टेंस के इंडिपेंडेंट हैं अनलाइक अदर टू जो आपने नीचे पढ़े हैं और तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच